नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हमारे पीछे की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से सेक्टर वन के विकास नगर से भाड़ा जाने वाली बस्ती में जो बने जो पुल को बने थे वो पुल जो है पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और आवागमन भी प्रभावित हो चुका है। अब लोगों को रास्ते मोड़ करके और रास्ते दूसरे रास्ते से भाड़ा बस्ती जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नदियाँ किस तरह से उफान पे है, तो ये गरगा नदी है और गरगा नदी जो है लगातार जो है उफान पर है और जिसके चलते रास्ते भी बंद हो चुके हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्हें कितनी परेशानियां हो रही है, ये आप बताओ। हाँ सर, बहुत परेशानी हो रही है, पूरा पुल डूब गया है। पुल डूब गया और जाने के लिए उधर से जाना पड़ता है। देखिए, पुल डूब गया है और पुल डूब गया है जी, आप बताएं। हाँ सर, ये सेक्टर वन से विकास नगर से भरा जाने वाला जो पुल है ना सर, पूरा पानी से भर चुका है। राजमार्ग जो है बंद हो चुका है, मार्ग बंद हो चुका है। हाँ, बेशक मार्ग बंद हो चुका है। हमारे साथ और लोग मौजूद है, आप बताएं। ये आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में कि जिस तरीके से जो भाड़ा बस्ती है, आप पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं भाड़ा बस्ती है और इस भाड़ा को जोड़ने के लिए ये मार्ग जो है आवश्यक मार्ग था। इस मार्ग से, इस पुल के माध्यम से लोग जो है इस सेक्टर वन से यानी बोकारो से लोग चास जा रहे थे और चास जाने वाली ये सड़क जो है बिल्कुल जो ये कहा जा सकता है कि पुल जो है पानी में हो गया और पुल के ऊपर से पानियाँ बह रही है जिसके कारण आवागमन भी काफी प्रभावित हो चुका है और लोगों को काफी खासतौर पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस पुल में लगातार जलस्तर बढ़ रहे हैं जिसके कारण जो ये कहा जा सकता है कि नदियां यहाँ बिल्कुल ही उफान पर है और ये नदी जो है अब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि नदियां उफान पर रहने के कारण जो है अब आवागमन बाधित हो गया है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।